Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपनी श्रृंखला में हमने अभी तक बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों के बारे में चर्चा की है आज हम एक ऐसे राजनीतिक चिंतक के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्नीस के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो काफ़ी सक्रिय रहे और उन्होंने अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बनने का काम किया और उसके साथ ही देश की आज़ादी के बाद के दौर में देश के लोकतंत्र को एक मजबूत आधार देने के लिए भी वो लगातार सक्रिय रहे उन्हें ज्यादा लंबी उम्र नहीं मिली लेकिन जिस सम, जितने समय तक वो इस देश में रहें इस दुनिया में रहें उस समय तक उन्होंने देश की भलाई के लिए समाज को जागृत करने के लिए लगातार काम किया आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में बातचीत करेंगे हमारी यह कोशिश होगी इस पूरी चर्चा में कि हम आपके सामने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को रखें और फिर उनके विचार की जो कुछ प्रमुख तत्व हैं, जो कुछ प्रमुख सूत्र हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करें और उनके बारे में आलोचनात्मक तरीके से बातचीत करें। लोहिया इसलिए भी एक महत्वपूर्ण चिंतक हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवादी धारा की राजनीति की लेकिन समाजवादी धारा की राजनीति करने के साथ साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो एक गैर कांग्रेसवाद की नीति थी उसे भी अपनाया मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वैचारिक रूप से शायद वो जवाहरलाल नेहरू के नज़दीक थे क्योंकि दोनों के भीतर ही समाजवाद के प्रति एक आकर्षण था समाजवादी विचार के प्रति एक वचनबद्धता थी लेकिन इसके बावजूद वो जवाहरलाल नेहरू से एक अलग दिशा में गए उन्होंने सत्ता की राजनीति को वरीयता नहीं दी बल्कि उन्होंने विपक्ष को संगठित करने लोगों को जागृत करने और कांग्रेस की जो एक दल बनने की प्रवृत्ति थी उसको चुनौती देने का काम किया तो इस लिहाज से वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतक के रूप में हमारे सामने आते हैं हमारी जो पूरी चर्चा होगी उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सबसे पहले हम आ, इनके जीवन परिचय पर बात करेंगे उसके बाद गोवा मुक्ति आंदोलन में जो इनकी भूमिका रही उसकी चर्चा करेंगे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो इनके जीवन का स्वरूप रहा कुछ प्रमुख घटनाओं को मैं आपके सामने रखूंगा और फिर हम आ, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन गैर कांग्रेसवाद के उनके विचार इतिहास के चक्रिय सिद्धांत पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की राजनीति साम्यवादियों से उनकी असहमति गांधीवादी पद्धति के प्रति उनकी आस्था जाति और वर्गों में संघर्ष की अवधारणा चौखंबा राज्य की परिकल्पना सप्त क्रांतियों की अवधारणा विश्व संसद का समर्थन इस जैसे जो तमाम पहलू उनके विचारों में आते हैं उनसे मैं आपका एक परिचय कराने की कोशिश करूँगा और आखिर में हम आलोचनात्मक तरीके से इनके विचारों का मूल्यांकन भी करेंगे अगर हम राम मनोहर लोहिया के जीवन के बारे में बात करें तो इसमें जैसे मैंने उल्लेख किया कि यह कोई संदेह की बात नहीं कि वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में बीसवीं सदी के भारत में आते हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में वर्तमान में अंबेडकर नगर जनपद के अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था उनके पिताजी श्री हीरा पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे ढाई वर्ष की आयु में ही राम मनोहर की माता चंदा देवी का देहांत हो गया उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे जब वे गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में वे पहली बार शामिल हुए मुंबई के मारवाड़ी बंबई यानी जिसे अब मुंबई कहा जाता है उसके मारवाड़ी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की लोकमान्य गंगाधर तिलक के मृत्यु के दिन विद्यालय के लड़कों के साथ 1920 में पहली बार अगस्त को पहली अगस्त को उन्होंने हड़ताल किया गांधी जी की पुकार पर दस वर्ष की आयु में स्कूल त्याग दिया पिताजी को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के चलते सजा के जीवन के आरंभ से ही एक का माहौल उनके घर में मिला था राष्ट्रीय आंदोलन का माहौल उनके घर में था गांधी जी से उनके पिताजी का नजदीकी संबंध था तो एक तरीके से बचपन से ही वो इस माहौल में बढ़े जहां पर अंग्रेजों का विरोध करना और एक खास तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात उसमें शामिल थी तो वो लगातार अपने पिताजी के काम को देख रहे थे उनके साथ वो कांग्रेस के अधिवेशन में भी गए थे तो इन सब चीजों के प्रति उनका रुझान बचपन से ही बढ़ा 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई हालांकि उस समय वो सिर्फ 11 वर्ष के थे 1924 में प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हुए एक युवा कार्यकर्ता के रूप में जो जिन्होंने वहाँ पर कुछ वॉलेंटियर्स का काम किया उन्नीस में मैट्रिक की परीक्षा दी इंटर की दो वर्ष की पढ़ाई बनारस के काशी विश्वविद्यालय में हुई कॉलेज के दिनों से ही खद्दर पहनना उन्होंने शुरू कर दिया था 1926 में पिताजी के साथ गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में गए 1927 में इंटर पास किया तथा आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता जाकर विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भी वो शामिल हुए 1928 में अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में सक्रिय हुए साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ उन्होंने आंदोलन किया कलकत्ता में युवकों के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष तथा सुभाष चंद्र बोस और लोहिया विषय निर्वाचन समिति के सदस्य चुने गए 1930 में द्वितीय श्रेणी में उन्होंने बीए पास की 1930 जुलाई को लोहिया अग्रवाल समाज के कोष से पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रवाना हुए वहां से वे बर्लिन गए विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्टर जेम्बार्ट को अपना प्राध्यापक चुना तीन महीने में उन्होंने जर्मन भाषा सीखी 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के विरोध में लीग ऑफ नेशंस की बैठक में बर्लिन में पहुंचकर सीटी बजाकर दर्शक दीर्घा से उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया सभागृह से उन्हें निकाल दिया गया डॉक्टर लोहिया के बारे में हमें यह जानकारी भी होनी चाहिए कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी और उसके बाद कभी भी उन्होंने अपना जन्म दिवस नहीं मनाया और इस याद में कि यही वह दिन था यानी कि 23 मार्च का कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगी थी तो हम यह देख सकते हैं कि वो देश में थे तब भी और देश के बाहर गए तब भी एक जो राष्ट्रवाद की भावना थी और राष्ट्रवाद इस रूप में कि अपने देश के प्रति जुड़ाव की भावना वह उनके मन में थी और वो साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध कर रहे थे जो कांग्रेस की जो पूरी काम करने की रूपरेखा थी वो विद्यार्थी जीवन से ही उससे जुड़े और उसके साथ उन्होंने उनके विचारों का भी विकास हुआ 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोध पूरा किया पूरा कर बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की 1933 में लोहिया भारत वापस आए इन्होंने यह तय किया कि वे कांग्रेस से जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करेंगे पटना में 17 मई 1934 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी अंजुमन ए इस्लामिया हॉल में इकट्ठा हुए यहां समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में यह पार्टी प्रसिद्ध हुई अक्टूबर को के बर्ली स्थित टेरेस में 150 समाजवादियों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो एक संगठन बना उसमें ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे और आगे हमें देखेंगे कि उनके साम्यवादियों से उनका क्या अंतर था लेकिन वह एक भारतीय परंपरा या भारत की जरूरतों या भारत की परिस्थितियों के हिसाब से समाजवादी विचार को ढालना चाहते थे ये वो लोग थे जो एक तरफ मार्क्स के प्रति आकर्षित थे लेकिन साथ ही साथ वो गांधी के मोह से भी बंधे हुए थे तो इस लिहाज से वो एक रेडिकल विचार प्रस्तुत कर रहे थे लेकिन वो पूरी तरीके से मार्क्स के रास्ते पर जाने से खुद को रोक रहे थे या रुके हुए थे क्यों क्योंकि मार्क्स ने जिस तरीके से क्रांति का रास्ता बताया था और जिस तरीके से गांधी संघर्ष कर रहे थे दोनों में एक तरह का अलगाव था और गांधी के प्रति भारतीय परंपरा के प्रति भारत की परिस्थितियों के, के प्रति अपने जुड़ाव के कारण वे पूरी तरीके से खुद को मार्क्सवादी रास्ते की तरफ नहीं जोड़ पा रहे थे तो ये हमें अंतर समझना होगा जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी विशिष्टता को भी हमें समझना होगा कि कांग्रेस में कई तरह के समूह थे कुछ हिंदू दक्षिणपंथी समूह भी थे कुछ जमींदारों के समर्थक समूह भी थे कुछ उद्योगपतियों के समर्थक समूह भी थे और कुछ ऐसे समूह थे जो कि एक मध्य मार्ग को लेकर चलने में भरोसा करते थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी वह इसमें एक रेडिकल कार्यक्रम के साथ कांग्रेस को वामपंथी दिशा में ले जाने के प्रयास करने वाले समूह के रूप में उभर कर सामने आई और लोहिया जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव और भी कई नेता इससे जुड़े और बाद में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी तो इसका जो साप्ताहिक मुखपत्र बना उसके संपादक लोहिया बने इस दौर में उनका गांधी और नेहरू से भी लगातार संवाद बना रहा 1936 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए पार्टी का दरवाजा खोल दिया लोहिया बार बार कम्युनिस्टों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं को देते रहे हैं। अब इसका अर्थ यही था कि कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों को लगा कि उनके विचारों में काफी साम्यता है दोनों लोग देश में आमूल आर्थिक बदलाव चाहते हैं दोनों समूह यह मार्क्स के प्रति आकर्षित हैं लेकिन जो अंतर था जिसका मैंने पीछे वर्णन किया वह बार बार लोहिया को कम्युनिस्टों के इरादों के प्रति आ, संदेह करने वाला व्यक्ति बनाता रहा क्योंकि उन्हें लगता था कि कॉम्युनिस्ट जब सत्ता आते हैं संगठन में तो वो संगठन पे पूरा कब्जा कर लेते हैं और जो एक विशिष्टता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की वो खत्म हो जाएगी तो आगे कुछ बिंदुओं में मैं और थोड़ी सी इस पे बातचीत करूंगा लेकिन मोटे तौर पर इसी फ्रेमवर्क में ये बातचीत चल रही थी और लोहिया नहीं चाहते थे कि जो कॉम्युनिस्ट हैं वो बहुत हावी हों सोशलिस्टों पर और वो उनकी पार्टी में आकर कब्जा जमा लें 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के में कम्युनिस्टों को पार्टी से निकालने का निर्णय लिया गया उन्नीस में त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को समाजवादियों ने अपना समर्थन दिया डॉक्टर लोहिया तटस्थ बने रहे मुझे उम्मीद है कि आप सब इस त्रिपुरी कांग्रेस के बारे में जानते होंगे कि इस ये इसमें जो चुनाव हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारमैया उम्मीदवार थे और उन्हें मुख्य रूप से सरदार पटेल ने खड़ा किया था और गांधी का भी समर्थन उनके साथ था और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे जो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे और आखिरकार सुभाष चंद्र बोस को जीत मिली सोशलिस्टों ने और अन्य कोई जो रेडिकल समूह कांग्रेस के भीतर थे उन्होंने सुभाष बोस को अपना समर्थन दिया लोहिया ने ऐसा नहीं किया लोहिया ने गांधी जी द्वारा यह कहे जाने पर कि बोस का चुनाव मेरी शिकस्त है पर यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा एक प्रस्ताव पेश किया कांग्रेस में और इस प्रस्ताव में कहा गया कि यह प्रस्ताव गांधी जी से सम्मान पूर्वक आह्वान करता है कि उनकी शिकस्त नहीं हुई है तो एक तरीके से लोहिया तटस्थ बने रहे गांधी और सुभाष के का जो एक संघर्ष माना जाता है 1939 के स्टूपिड कांग्रेस में लेकिन फिर भी उनका झुकाव गांधी की तरफ ज्यादा बना रहा लोहिया ने महायुद्ध के समय युद्ध भर्ती का विरोध किया सन 1942 से पहले भी अपने ज्यादा रेडिकल विचारों के कारण लोहिया कांग्रेस के भीतर खास स्थान बना चुके थे किंतु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही 7 अगस्त 1942 को गांधी जी ने तीन घंटे तक भाषण देकर कहा कि हम अपनी आजादी लड़कर प्राप्त करेंगे अगले दिन 8 अगस्त को भारत जोड़ो का प्रस्ताव बंबई में बहुमत से स्वीकृत हुआ गांधी जी ने करो या मरो का संदेश दिया नौ अगस्त उन्नीस को जब गांधी जी व अन्य कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब लोहिया ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का को पूरे देश से फैलाया भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट में जो लोहिया की भूमिका थी वह अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है लोहिया या अन्य सोशलिस्टों के भी लोहिया अच्युत पटवर्धन सादिक अली पुरुषोत्तम टिकराम दास मोहनलाल सक्सेना रामनंदन मिश्रा सदाशिव महादेव जोशी सानी गुरुजी कमला चट्टोपाध्याय अरुणा आसिफ अली सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी आदि नेताओं का एक केंद्रीय संचालन मंडल बनाया गया और लोहिया पर नीति निर्धारण करने का कार्यभार सौंपा गया भूमिगत रहते हुए जंग आगे बढ़ो क्रांति की तैयारी करो आजाद राज्य कैसे बने जैसी पुस्तिकाएं उन्होंने लिखी 20 मई 1944 सौ चौवालिस को लोहिया जी को मुंबई में बंबई जो उस समय था उस वहां पर गिरफ्तार किया गया और ये जो पूरा एक दो तकरीबन दो वर्षों की जो अवधि रही उसमें लोहिया अंग्रेजी सरकार के लिए सिरदर्द बने रहे क्योंकि ये लगातार अपने काम के द्वारा उनके लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन की जो एक अलग है वह उन्होंने जगाए रखी तो एक तरीके से अंग्रेज इन्हें अपना काफी गंभीर शत्रु मानने लगे थे काफी एक, एक खतरनाक शत्रु मानने लगे थे तो गिरफ्तारी के बाद लाहौर के किले में उन्हें एक अंधेरी कोठरी में रखा गया पुलिस द्वारा लगातार उन्हें यातनाएं दी गई पंद्रह पंद्रह दिन तक उन्हें सोने नहीं दिया जाता था तो किसी से मिलने नहीं दिया गया चार महीने तक या पेश तक भी नहीं दिया गया हर समय हथकड़ी बांधे रखी जाती थी इस बीच लोहिया के पिता हीरा लाल जी की भी मृत्यु हो गई किंतु लोहिया ने सरकार की कृपा पर पेरोल पर छूटने से इनकार कर दिया 11 अप्रैल 1940 को लोहिया को आगरा जेल से रिहा कर दिया गया और उनकी इस रिहाई में महात्मा गांधी का प्रयास भी काफी सम्मिलित रहा और एक तरीके से यह वह दौर था जो कि जिसने कि रोहिया को राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा गहरे रूप से स्थापित किया एक ऐसे नेता के रूप में जो कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था उसके पहले वो एक कार्यकर्ता थे विचारक थे आ, लेकिन अभी वो इन अपने इस तरह के देश की आज़ादी के लिए गतिविधियों के कारण वो लगातार एक मजबूत शख्सियत के रूप में स्थापित होते गए 15 जून 1940 को लोहिया ने गोवा के पंजिम में गोवा मुक्ति आंदोलन में पहली सभा की यानी कि वो जेल से छूटने के बाद चैन से नहीं बैठे लोहिया को 18 जून को गोवा मुक्ति आंदोलन के शुरुआत के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया 14 अगस्त 1940 को हरिजन पत्र में गांधी जी ने लिखा कि लोहिया को उनके काम के लिए बधाई दी जानी चाहिए तीस दिसंबर उन्नीस को नोखली में हिंदू और मुसलमान के बीच के अविश्वास को दूर करने में गांधी जी के साथ उन्होंने विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया पूरे साल नवाखली कलकत्ता बिहार दिल्ली सभी जगह लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर सांप्रदायिकता की आग को बुझाने की कोशिश करते रहे स्वतंत्रता जब देश को मिली तो जनवरी उन्नीस जनवरी 1947 में लोहिया ने, ने नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने तथा राणा साहिब के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने की पहल की लोहिया की प्रेरणा से रियासतों की समाप्ति का आंदोलन 650 रियासतों में समाजवादी चला रहे थे मार्च उन्नीस में नासिक सम्मेलन में सोशलिस्ट दल ने कांग्रेस से अलग होने का निश्चय किया ये आजादी के बाद का के दौर का घटनाक्रम है तो ये जो दो या तीन महत्वपूर्ण पहलू जो कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के बाद का देखते हैं गोवा मुक्ति के संघर्ष में उनकी भागीदारी करना या फिर राणाशाही के विरुद्ध जो लोकतांत्रिक शक्तियां थी उन्होंने संगठित करने का प्रयास नेपाल में करना या फिर जो देसी रियासत थे उनके समाप्ति के लिए वहां के जो लोग हैं इन रियासतों के उनको गोलबंद करना इस तरह के काम में लोहिया लगे रहे जब देश आजाद हुआ तो सोशलिस्टों ने संविधान सभा में भागीदारी नहीं की थी हालांकि बाद में उन्होंने संविधान को स्वीकार किया अः लेकिन जो चीज़ लोहिया ने जिस चीज पर जोर दिया देश की आज़ादी के बाद वह था कि हमें कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए अब इसमें बार बार सोशलिस्टों के सामने यह समस्या थी कि नेहरू भी खुद को समाजवादी विचारों से काफी प्रभावित मानते थे और वो प्रभावित थे भी उनकी नीतियां उनके काम करने का तरीका भी वैसे था लेकिन फिर भी सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात का निर्णय लिया और खासतौर पर जो दक्षिणपंथी समूह था कांग्रेस के भीतर जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे वो बिल्कुल ही यह नहीं चाहते थे काम करे तो इस लिहाज से उन लोगों को कांग्रेस से अलग होना पड़ा सन उन्नीस में आ, पटना में सोशलिस्ट पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ इसी सम्मेलन में लोहिया ने चौखंभा राज्य की कल्पना प्रस्तुत की पटना में किसान हिंद पंचायत की स्थापना भी हुई जिसका अध्यक्ष लोहिया को चुना गया मई उन्नीस में पंचमढ़ी में सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन हुआ आम चुनाव में हार हुई सोशलिस्ट पार्टी की और इसके बाद लोहिया ने चुनाव की पराजय की सौ परीक्षा के बदले ठोस विचारों की ओर पार्टी को ले जाने पर जोर दिया गुजरात पार्टी सम्मेलन में इतिहास चक्र की नई व्याख्या लोहिया द्वारा प्रस्तुत की गई 24-25 सितंबर उन्नीस में सोशलिस्ट पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के विलय का निर्णय लिया गया इस तरह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ ये कुछ घटनाक्रम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि उनके जीवन के कुछ प्रमुख घटनाओं को आप समझ सकें और फिर उसके बाद हम उनके विचारों की ओर आगे बढ़ेंगे तो उनतीस से इकतीस दिसंबर उन्नीस को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ वहां लोहिया ने इलाहाबाद थीसिस प्रस्तुत की लोहिया को उनके मना करने के बावजूद पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया तेरह चौदह मई उन्नीस को उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा नहर रेट बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया 4 जुलाई उन्नीस को फर्रुखाबाद में वाणी स्वतंत्रता के संघर्ष को लेकर भाषण दिए जाने के कारण लोहिया को गिरफ्तार किया गया नागपुर में 26-28 नवंबर उन्नीस के बीच केरल गोलीकांड पर विचार करने के लिए सम्मेलन हुआ लोहिया केरल मंत्रिमंडल से इस्तीफा के रूप में असल में था तो वहां पर वो उससे इस्तीफा मांग चुके थे तो ये मुख्य रूप से इस घटना का उल्लेख इसलिए जरूरी है कि वो अपने पार्टी के सदस्यों के भी उनके अलोकतांत्रिक व्यवहार होने पर या पार्टी के सरकार से भी वो इस्तीफा मांगने से नहीं झिझकते थे इकतीस दिसंबर 1955 तथा 1 जनवरी 1956 को आ, के बीच में मतलब इस दौरान दो दिनों का जो सम्मेलन था वहां पर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 17 अप्रैल 1960 को कानपुर के सर्किट हाउस में अनाधिकृत प्रवेश करने के कारण अपराध बताकर उन्हें गिरफ्तार किया गया 1961 में अंग्रेजी हटा आंदोलन के दौरान लोहिया के सभा पर मद्रास में पत्थर बरसाए गए उन्नीस के फर्रुखाबाद के लोकसभा उपचुनाव में लोहिया अट्ठावन वोटों से जीते लोहिया लोकसभा में लोहिया के तीन आना बनाम पंद्रह आना की बहस अत्यंत चर्चित हुई इसमें उन्हें अठारह करोड़ आबादी के चार आने पर जिंदा जिंदगी काटने और प्रधानमंत्री पर पचीस हजार रुपए खर्च करने का उन्होंने आरोप लगाया और फिर 9 अगस्त 1965 को लोहिया को लोहिया भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया 30 दिसंबर 1967 को लोहिया को नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में अब जिसे लोहिया अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल कहा जाता है उसमें पौरुष ग्रंथी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया यहीं पर 12 अक्टूबर उन्नीस को उनका देहांत सत्तावन वर्षीय आयु में हो गया अगर हम जो मैंने आजादी के बाद के लोहिया के जीवन और पार्टी के रूप में उनके जो गतिविधियां थी उनका उन पर हम ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि लोहिया की पार्टी को प्रथम आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा उस हार के बाद जयप्रकाश नारायण जो कि सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति से खुद को अलग कर लिया लोहिया लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में लगे रहे उन्होंने नए तरीके से अपनी पार्टी और अपने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया ये जो आजादी के बाद से बने रहे। और यह सक्रियता अपने आप में एक अनूठी मिसाल है इस बात की लोकतंत्र के भीतर विपक्षी खेमे में रहने वाले व्यक्ति को किस तरह की राजनीति करनी चाहिए लोहिया के सामने नेहरू का विराट व्यक्तित्व था लोहिया के सामने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी थी जिसका कि हर गांव में आधार था लेकिन लोहिया ने इससे हार नहीं मानी बल्कि वो लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहे जिन मुद्दों से वो सरकार को घेर सकते थे सरकार की कमियां बता सकते थे और लोगों के भीतर राजनीतिक जागरूकता ला सकते थे और स्वतंत्र भारत में उन्होंने कई बार गिरफ्तारी दी उन्होंने सिविल नाफरमानी की जहां भी उन्हें लगा कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है और वो लगातार देश के अलग अलग भागों में जाती भी रहे वो लंबे लंबे भाषण देते थे और वो लोगों को अपने विचारों से मुतमिन करने या उन्हें मनाने की कोशिश करते थे उन्नीस के बाद के दौर में उनका जो आ, एक संबंध है वो गैर कांग्रेसी नेताओं के साथ बढ़ा और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का विचार प्रस्तुत किया जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और उसके बाद उन्नीस के चुनाव में कांग्रेस को काफी इससे नुकसान भी हुआ कई प्रदेशों में और हालांकि लोकसभा का चुनाव वो जीतने में सफल रही लोहिया उसके बाद ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहते हैं उसी वर्ष उनका देहांत हो जाता है लेकिन उन्होंने एक ऐसा मॉडल जरूर प्रस्तुत कर दिया जिसके माध्यम से जो गैर कांग्रेसी दल थे वो कांग्रेस को चुनौती दे सकते थे ये एक लोहिया के पूरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के राजनीतिक जीवन की एक विशेष उल्लेख विशेष एक आ, योगदान के रूप में याद किया जा सकता है इसके अलावा और भी पहलू हैं जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे लोहिया की जो एक खास विशेषता थी वह यह कि वो ऐसे नेता में थे जो लगातार आंदोलन में रहे राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहे देश के अलग अलग भागों में जाकर वो जनसभाओं को संबोधित करते रहे लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने विपुल साहित्य भी रचा बहुत ज्यादा चीजों को वो के लेखन में वो लगे रहे तो उन, उनकी कुछ पुस्तकों का नाम मैं आपके सामने दे रहा हूँ इसमें से कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में पहले प्रकाशित हो चुकी हैं तो दोनों ही भाषाओं में पुस्तकों का शीर्षक मैं आपको बताना चाहूंगा अंग्रेजी हटाओ कई पुस्तकें पुस्तकार हैं कई पुस्तकें पुस्तिकाओं के रूप में हैं अंग्रेजी हटाओ इतिहास चक्र देश विदेश नीति कुछ पहलू धन पर एक दृष्टि भारतीय शिल्प भारत विभाजन के गुनाहकार मार्क्सवाद और समाजवाद राग जिम्मेदारी की भावना अनुपात की समझ समलक्ष्य, संबोध समदृष्टि सच कर्म प्रतिकार और चरित्र निर्माण का आह्वान समाजवादी चिंतन संसदीय आचरण संपूर्ण और संभव बराबरी और दूसरे भाषण हिंदू बनाम हिंदू अंग्रेजी में जो उनकी किताबें प्रकाशित हुई द कास्ट सिस्टम फॉरेन पॉलिसी फ्रैगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड फंडामेंटल्स ऑफ अ वर्ल्ड माइंड गिल्टी मेन ऑफ इंडिया पार्टीशन इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर मस्तराम कपूर ने इसे नौ भागों में संपादित किया तो ये मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी जो लोहिया की पुस्तकें हैं उनकी सूची मैंने आपके सामने रख दी या उनकी सारी जो कृतियां हैं कुछ प्रमुख रचनाओं की बात हमने की हमें यह ध्यान रखना है कि लोहिया उन चुनिंदा नेताओं में थे जो लगातार एक तरह से साहित्य हम कह सकते हैं या गैर साहित्य लेखन ज्यादा है पर वो राजनीति से जुड़े मुद्दों पर लेखन करते रहे चिंतन करते रहे उन विचारों को सामने लाते रहे अब लोहिया की आज़ादी के बाद के दौर के कुछ विचारों पर हम बात करेंगे और उसके पहले के दौर पर भी लेकिन उसमें हम बिंदुवार देखेंगे कि लोहिया किस तरह के विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे सबसे पहले मैं अंग्रेजी हटाओ आंदोलन पर ध्यान आपका दिलाऊंगा लोहिया जानते थे कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रयोग आम जनता की प्रजातंत्र में शत प्रतिशत भागीदारी के रास्ते का रोड़ा है उन्होंने इसे सामंती भाषा बताते हुए इसके प्रयोग के खतरों से बारंबार आगाह किया उन्होंने बताया कि यह मजदूरों किसानों और शारीरिक श्रम से जुड़े आम लोगों की भाषा नहीं है और ये जो लोहिया का जो पूरा तर्क था वो बाद के दौर में भी कई लोगों ने उठाया और अभी भी इस बात को बार बार सामने लाया जाता है कि जो देश है जो आम जनता है उसकी भाषा कुछ और है और जो अभिजन वर्ग है या जिसके माध्यम से देश की संस्थाएं य देश की संस्थाओं का बड़ा भाग काम करता है वह भाषा कुछ और है यानी कि अभिजन वर्ग और देश की बड़ी संस्थाओं के काम करने की भाषा अंग्रेजी है और आम जनता जिसमें अपने विचार रखती है वो अलग अलग तरह की भाषाएं हैं उसमें हिंदी भी है दूसरी कई भाषाएं भी हैं तो ये जो लोहिया का जो तर्क था वह यह था कि हम जिस तरह की व्यवस्था में रह रहे हैं उसमें अंग्रेजी के वर्चस्व ने एक तरीके से आम लोगों को लोकतंत्र की संस्थाओं से जो शक्ति की संस्थाएं उनसे उनको बाहर रखा है उनको बाहर रखने के एक उपाय के रूप में अंग्रेजी को अपनाया गया है तो इसलिए वो अंग्रेजी हटाने पर जोर दे रहे थे लेकिन जो समस्या राम मनोहर लोहिया के सामने आई वह यह कि बार बार यह कहा गया कि भी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की जो बात कर रहे हैं वह असल में हिंदी का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश है और हम ये देखेंगे कि हमारे देश में हिंदी विरोध का भी एक माहौल रहा है खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में हमेशा ही हिंदी को थोपने का विरोध किया गया है और इसीलिए संवैधानिक स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया और यह बात सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि जो देश की दूसरी भाषाएं हैं वो भाषाएं खुद को उपेक्षित महसूस ना करें लेकिन लोहिया का यह कहना था कि वे जब अंग्रेजी को हटाने की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो हिंदी को हर किसी पर थोपने की बात कर रहे हैं उन्होंने यह कहा कि अंग्रेजी हटाओ का अर्थ है मातृभाषा को ले आओ यानी इसका अर्थ यह है कि अगर कर्नाटक है तो वहां पर लोग कन्नड़ में अपना काम करें अगर केरल है तो मलयालम में जो राज्य की संस्थाएं हैं वहां पर काम हो तमिलनाडु है तो तमिल में हो महाराष्ट्र है तो मराठा में हो गुजरात है तो गुजराती में हो और जहाँ हिंदी भाषा है वहां हिंदी में हो लेकिन बहुत सारे जो इनके आलोचक थे उनको यह लगा कि असल में अंग्रेजी को हटाकर अगर कोई भाषा अंग्रेजी के बराबर एक बहुसंख्यक भाषा के रूप में है अंग्रेजी अल्पसंख्यक लेकिन शक्तिशाली लोगों की भाषा है और हिंदी जो है वह बहुसंख्यक लोगों की भाषा है हम यह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या हिंदी बोलने वाले लोगों की है तो उनका कब्जा हो जाएगा तो ये जो एक विरोध का कारण था उसके कारण से लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन को आ, काफी चोट भी पहुंची मद्रास में उनके ऊपर पत्थरबाजी भी की गई तो ये इस आंदोलन की एक विडंबना बनी हालांकि लोहिया का यह कहना है कि अगर हिंदी भी दमन का भाषा बनती है तो मैं उसका भी उसी तरीके से विरोध करूंगा तो आ, लेकिन ये एक सोच के रूप में हमारे देश में लगातार यह चीज मौजूद रही है कि किस तरीके से जो एक ऐसी भाषा लोगों को लोगों के ऊपर प्रभुत्व जमाए हुए है जिसे ज्यादातर लोग ना बोलते हैं ना समझते हैं अब उसमें बाद के वर्षों में कई तरह की प्रगति भी हुई है कई लोग यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजी काफी हद तक हिंदुस्तान की ही भाषा बन चुकी है और थोड़ा प्रयास करके लोग इसे सीख सकते हैं तो ये एक निरंतर जारी रहने वाले वाद विवाद के रूप में हमारे देश में मौजूद है जो लोहिया हैं उनका हस्तक्षेप एक खास तरीके के नजरियों के साथ हुआ कि अगर हमें जनतंत्रीकरण को डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ाना है तो हमें उसी भाषा में जो देश की सत्ता के संस्थाएं हैं उनका काम करना होगा जिस भाषा में आम जनता बोलती है और इसके फिर अलग अलग तरह के आयाम और अलग अलग तरह के पहलू सामने आए लोगों ने इसका समर्थन किया और कई लोगों ने इसका विरोध भी किया जिसका मैंने आपको आपके सामने एक विवरण प्रस्तुत किया तो इसलिए हम इस एक अगले बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं और वह है गैर कांग्रेसवाद के राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि दुनिया भर के सोशलिस्ट एकजुट होकर मजबूत मंच बनाएं। लोहिया के अथक प्रयासों के कारण उन्नीस में कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई तो दुनिया भर के सोशलिस्ट तो एक अलग हिस्सा है लेकिन उन्होंने देश के सोशलिस्टों को तो एक किया लेकिन सोशलिस्टों के साथ साथ उनका जोर गैर कांग्रेसी दलों पर था अब ये जो हमें इस संदर्भ में याद रखने की जरूरत है कि गैर कांग्रेसवाद का यहां पर उनका मतलब यह था कि जो कांग्रेस के अलावा जो दल है वो आपस में मिले और इस संदर्भ में वो कई बार इस चीज को दोहराते थे कि अगर एक ही दल सत्ता में रहता है तो उस पर फिर एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं उन्होंने इस बात पर बार बार जोर दिया कि अगर रोटी को हम एक ही तरफ रखें तवा पर और एक ही तरफ रखें फिर उसको पलटे नहीं तो रोटी जल जाती है इसी तरीके से अगर सत्ता सिर्फ एक ही समूह के पास रहती है तो वह समूह धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाता है वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं रहता है इसलिए यह जरूरी है कि जो बाकी सारे दल हैं वो भी एकजुट हों और वो भी सत्ता में आए और एक वैकल्पिक कार्यक्रम लागू करें हमें यह याद रखने की जरूरत है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो राजनीति थी, थी उसमें वो समूह धीरे धीरे जुड़ते गए जिनको की कांग्रेस सिस्टम जैसा कि कोठारी कांग्रेस सिस्टम जैसी एक प्रणाली विकसित हो गई थी नेहरू के दौर में उसमें जिनको जगह नहीं मिली आमतौर पर पिछड़ी जातियां ये सब लोहिया के नेतृत्व में जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके आसपास वो जुड़ते चले गए लोहिया की रणनीति यह थी कि जो अलग अलग तरह के दल हैं उनको भी एक साथ लाया जाए और उनको एक साथ लाकर हम एक ऐसा महागठबंधन बना सकते हैं जिससे जो कांग्रेस की बड़ी शक्ति है उसका मुकाबला किया जा सके और यह विचार काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ उन्नीस के चुनाव में जहां कई विधानसभाओं में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा लोकसभा में भी इसकी सीटें कम हुई लेकिन जो खास बात है इस पूरे विचार का उसमें यह है कि लोहिया ने ऐसे दलों को भी अपने साथ जोड़ा जो असल में उनके विचारों के समर्थक नहीं थे या दूर दूर से उनके विचारों से जुड़े हुए नहीं थे या उनके विचारों से उनका टकराव भी था मिसाल के तौर पर आ, उन्होंने जनसंघ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की वो चुनाव में प्रचार करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय के निर्वाचन क्षेत्र में गए दीनदयाल उनके निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आए खुद लोहिया की पार्टी के भीतर इस पर काफी ज्यादा वाद विवाद हुआ और आखिरकार लोहिया ने अपने बात को अपनी जो उनके पार्टी के सदस्य थे जो साथी थे उनको मनवाने में वो सफल रहे और गैर कांग्रेसवाद के विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया तो कुल मिलाकर हमें यह समझ कर रखने के याद रखने की जरूरत है कि गैर कांग्रेसवाद का सीधा सा मतलब कांग्रेस का विरोध नहीं है बल्कि वह एक ऐसे बड़े राजनीतिक दल का विरोध है जो बहुत शक्तिशाली है एक अन्य दलों की तुलना में और वह सत्ता पर काबिज है लेकिन उसे चुनौती देने को राम मनोहर लोहिया लोकतंत्र की भलाई के लिए आवश्यक मानते हैं और अगर संगठन के स्तर पर कोई एक दल उसे चुनौती देने में समर्थ नहीं है तो अलग अलग दलों को मिलकर एक वैकल्पिक कार्यक्रम के साथ उस बड़े दल को चुनौती देनी चाहिए कुल मिलाकर लोहिया का का की जो सोच थी वह लोकतंत्र के एक समर्थक के रूप में थी क्योंकि वो चाहते थे आलोचनात्मक परीक्षण करूंगा तो वहां पर इसकी चर्चा करूंगा लोहिया ने इतिहास का चक्रीय सिद्धांत भी प्रस्तुत किया लोहिया के अनुसार इतिहास सरल रेखा की भांति आगे नहीं बढ़ता है बल्कि उसकी गति चक्र के समान तथा अपरिवर्तनीय होती है एक राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है तथा चक्रीय गति से वह पतन के गर्त में भी पहुंच सकता है पुनः एक समय ऐसा आ सकता है कि पतन के गर्त में पहुंचा हुआ राष्ट्र उन्नति करके करते हुए शिखर पर पहुंच जाए इस प्रकार राष्ट्रों का उत्थान एवं पतन होते रहता है उनका कथन था कि वर्गों एवं जातियों तथा विचार प्रेरक प्रवृत्तियों एवं सभ्यताओं के मध्य संघर्ष इतिहास में तब तक चलता रहेगा जब तक मनुष्य में बुराई समाप्त नहीं हो जाती है उन्हें पूर्ण विश्वास था कि संसार में अंततः विवेकपूर्ण तरीकों से मानव जाति की बहुरंगी एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी कुल मिलाकर इतिहास के जो चक्रीय सिद्धांत थे, उसके माध्यम से वह इस बिंदु को रेखांकित करना चाह रहे थे कि, कि किसी भी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म हुआ नहीं माना जा सकता है एक राष्ट्र या एक तरह की जो शक्ति है वह अगर एक समय में काफ़ी दुर्बल और पराजित अवस्था में लगती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि एक समय ऐसा आए जब वो उभर कर फिर से वह शक्ति आ जाए और उनका यह कहना था कि असल में जरूरत इस बात की है कि जो मनुष्य हैं उनके भीतर एक दूसरे के प्रति सम्मान और सौहार्द का विकास हो तभी एक संतुलित व्यवस्था वाली स्थिति आ सकती है ये जो इतिहास की चक्रीय व्यवस्था थी उसके माध्यम से हम बहुत सारे चीजों को समझ सकते हैं हम विभिन्न राष्ट्रों की स्थिति को भी हम समझ सकते हैं और लोहिया की कोशिश ये थी कि वो इसके माध्यम से इतिहास की एक विशेष दृष्टि प्रदान करें और इस बात पर भी जोर दें कि एक समूह या एक राज्य या एक राष्ट्र अगर एक समय दुर्बल अवस्था में है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा ही दुर्बल ही रहेगा इस बात की भी संभावना है कि वो मजबूत हो सकता है और इतिहास का चक्र इसी चीज़ को बार बार रेखांकित करता है लोहिया जो एक रेखीय सिद्धांत की आलोचना करते हैं वह एक तरीके से मार्क्सवाद की भी आलोचना है जिसमें कि मार्क्सवाद में माना जाता है कि एक आदिम साम्यवाद की स्थिति थी उसके बाद एक दासों के स्वामित्व वाली स्थिति आई उसके बाद साम, सामंतवाद आया फिर पूंजीवाद आया पूंजीवाद में आ, जो मजदूर वर्ग है वो क्रांति करेगा उसके बाद आ, जो अन्य तरह की परिस्थितियां आएंगी यानी कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आएगी फिर समाजवाद आएगा और अंत में साम्यवाद आएगा और एक तरीके से एक रेखी रूप में पूरे के पूरे इतिहास को समेट दिया जाता है लोहिया का विचार इससे अलग था और वह इसी विचार को इसके माध्यम से रेखांकित कर रहे हैं लोहिया ने पिछड़ों को गुलबंद करने की राजनीति का को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया उन्नीस के चुनाव में उनके दल ने नारा दिया सन्सो पानी बांधी घाट पिछड़ा पावे सौ में साठो की अपनी धारणा में अल्पसंख्यकों के पिछड़े तबकों और महिलाओं को भी सम्मिलित करते थे और कुल मिलाकर जैसे मैंने पहले थोड़ा सा उल्लेख किया कि लोहिया की जो पूरी राजनीति थी वो उन समूहों को आकर्षित करने की राजनीति थी जिन्हें कांग्रेस के भीतर उपेक्षित रखा गया था जिनके हित कांग्रेस के भीतर पूरे नहीं हो रहे थे क्योंकि कांग्रेस के भीतर उन्हीं समूहों के हित ज्यादा पूरे हो रहे थे जिनके भीतर एक नेतृत्व उभर चुका था, जो अपने हिस्से की दावेदारी करने में समर्थ तो लोहिया ने तबकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने एक तरीके से जो हिस्सेदारी है उसकी भी एक बात रखी जो आगे चलकर हमारे देश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग बना संसो पाने बाधी गाठ पिछड़ा पावे में साठ और बाद में आगे चलकर अः राम ने एक अन्य नारा दे दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि देश की राजनीति में यह जो गुलबंदी का तरीका था धीरे धीरे मजबूत हुआ और इसकी शुरुआत करने का श्रेय राम मनोहर लोहिया को जाता है वे यह चाहते थे कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो गुलबंद हो उनका यह भरोसा था कि जो संसाधन है उन पर कुछ समूहों का हिस्सा है इनका यह मानना था कि जो सत्ता है जो सत्ता से मिलने वाले लाभ हैं उस पर समाज के कुछ अगड़े समूह अपना कब्जा जमाए हुए हैं इसलिए वो चाहते थे कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनका इस पर कब्जा हो निश्चित रूप से इसमें पिछड़े जातियां थीं इसमें दलित जातियां थीं लेकिन ये एक विस्तृत धारणा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था महिलाओं को और अल्पसंख्यकों के बीच के पिछड़े तबकों को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित किया था तो वो एक व्यापक गठबंधन भी बनाना चाह रहे थे और हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो जिस राजनीति की शुरुआत राम मनोहर लोहिया ने की वह धीरे धीरे करके काफ़ी आगे बढ़ी अगर आप 1977 के चुनावों पर ध्यान देंगे तो आप यह पाएंगे कि जितने भी नेता उभर कर सामने आए युवा नेता उभर कर सामने आए सोशलिस्टों के समूह से उसमें बहुत सारे जो थे वो पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए नेता थे फिर उन्नीस सौ के बाद की राजनीति में वही नेता प्रमुख नेताओं के रूप में स्थापित होते हैं तो एक धारा जो कि राम मनोहर लोहिया के राजनीति से शुरू होती है वह देश की राजनीति में धीरे धीरे करके काफी आगे बढ़ती है और उस धारा के साथ-साथ वैचारिक स्तर पर भी पिछड़ों की गुलबंदी का विचार एक मजबूत विचार के रूप में स्थापित होता है मैंने पहले भी इस बात की ओर इशारा किया है कि राम मनोहर लोहिया साम्यवादियों से असहमति रखते थे लोहिया

विद्रोह करा देते हैं अथवा उस पर अनुचित दबाव डालते हैं साम्यवादियों की की पूंजीवाद व्याख्या उन्हें स्वीकार्य थी वे वर्ग संघर्ष के साम्यवादी पद्धति को भी अनैतिक मानते थे लोहिया कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते थे किंतु उन्होंने चेतना को महत्वपूर्ण माना वे सामान्य उद्देश्यों तथा आर्थिक उद्देश्य दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते थे उन्होंने भौतिकवाद में चेतनावाद के समावेशन पर बल दिया मार्क्सवाद के भीतर एक लंबा वाद विवाद है बस छोटे में मैं आपके सामने उसकी एक समझ रखना चाहूंगा कि मार्क्सवाद में की एक व्याख्या यह है कि मार्क्स जो हैं वो डायलैक्टिक मेटेरियलिज्म की बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जिसमें कि भौतिक शक्तियों में जब परिवर्तन होता है तो समाज की जो अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें शासन व्यवस्था हो गई कला हो गया कानून हो गया ये सारी चीजों में भी परिवर्तन होता है तो भौतिकता पर जो ज्यादा जोर दिया गया मार्क्सवाद के एक तरह के संस्करण में लोहिया और वो संस्करण उस समय हावी था सोवियत यूनियन में हावी था लोहिया ने उसका विरोध किया और लोगों लोहिया का कहना था कि जो मनुष्य की जो चेतना है उसको भी ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए हालांकि लोहिया ने इसके आधार पर मार्क्सवाद की आलोचना की लेकिन हकीकत यह है कि खुद मार्क्स की रचनाओं में भी इसी तरह की बात आती है कि मार्क्स चेतना के महत्व को एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में स्वीकार करते हैं और इस रूप में उन्होंने अपने विचारों को रखा लोहिया ने कि उन्होंने कहा कि चेतनावाद को महत्व दिया जाना चाहिए मैं जिस बिंदु की ओर आपका इशारा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि खुद मार्क्स के विचारों में इस तरह की बातें मौजूद हैं और लेकिन सोवियत यूनियन में जिस तरह का मार्क्सवाद उभरा उसने मार्क्स के इन विचारों को यानी कि चेतना की भूमिका के विचार को थोड़ा नेपथ्य में कर दिया लोहिया कह रहे थे कि नहीं चेतनावाद को महत्व दिया जाना चाहिए तो इस लिहाज से वो साम्यवादियों से व्यवहारिक रूप से खुद को दूर रखते थे हमने पहले देखा कि हिंदुस्तान के साम्यवादियों से उनकी निराशा यह थी कि वो अपने विचारों में ही सबको रंगने की कोशिश करते थे सोशलिस्टों के साथ सहयोग करने का अर्थ साम्यवादी सोशलिस्टों को साम्यवादी बना देने या उनके संस्थाओं संगठन पर कब्जा कर लेने के रूप में करते थे जिसका कि लोहिया विरोध करते थे लोहिया की गांधीवाद की पद्धति में काफी आस्था थी समाजवाद में पूर्ण आस्था होते हुए भी लोहिया को हिंसा से चिड़ थी वे सच्चे गांधीवादी थे किंतु उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली में समाजवादी चिंतन में गांधीवाद प्रबलता के प्रमुख सिद्धांतों का समावेशन करने का प्रयास किया वे समाजवाद के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गांधीवादी जन आंदोलन को अत्यंत प्रभावी मानते थे वे अहिंसा को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते थे किंतु वे हिंसा से मन वचन और क्रम कर्म से दूर रहने की गांधी की बात को अंतकरण से स्वीकार नहीं कर पाते थे कई बार वे अपने विरोधियों के लिए कटु भाषा का प्रयोग करते थे लोहिया सत्य के महत्व को उसके आध्यात्मिक मूल्य के कारण नहीं बल्कि समाज व्यवस्था के लिए उसकी उपयोगिता के कारण स्वीकार करते थे वे छल कपट को हानिकारक मानते थे वे आलस्य कर्तव्य के अभाव तथा निष्क्रियता की अवस्था को सत्य और सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक मानते थे वे समानता पर आधारित सामाजिक न्याय को सत्य मानते हुए विश्वास करते थे कुल मिलाकर लोहिया ने खुद को कुजात गांधीवादी भी कहा कुजात गांधीवादी का मतलब यह है कि गांधीवादियों के भीतर जिसे गांधीवादी नहीं माना जाता और जो कि गांधी के विचारों को सिर्फ मठी या सरकारी गांधीवादियों की तरह सेलिब्रेट करने में या उसका दिखावा करने में भरोसा नहीं करता है बल्कि वह गांधी के विचारों के साथ जूझता है उसकी सीमाओं को पहचानता है लेकिन फिर भी उसमें आस्था रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है गांधी के कुछ विचारों में संशोधन भी करता है तो लोहिया जो थे वो गांधी कई विचारों को मानते थे व्यवहार में कई विचार वो अपना नहीं पाए कई बार वो भाषाई हिंसा तक चले जाते थे अपने विरोधियों की आलोचना में लेकिन आ, आ, हकीकत यह है कि उन्होंने गांधी के विचारों को नए तरीके से नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की उन्होंने लोकतंत्र में इसे ढालने की कोशिश की उन्होंने विकास की जो अपनी अवधारणा प्रस्तुत की उसमें एक नए तरीके से गांधी के विचारों को लाने की कोशिश की जिसके बारे में हम आगे विचार करेंगे लोहिया जाति और वर्ग संघर्ष की अवधारणा भी प्रस्तुत करते हैं लोहिया के अनुसार इतिहास में जाति और वर्गों में संघर्ष होता रहता है इसी से इतिहास को गति मिलती है जातियों आ, का रूप सुनिश्चित होता है किंतु वर्गों की आंतरिक संरचना शिथिल होती है इन दोनों के बीच घड़ी के पेंडुलम के समान आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं इन्हीं से इतिहास को गति मिलती है लोहिया के अनुसार जातियों में सामान्यतः गतिहीनता और निष्क्रियता पाई जाती है जबकि वर्ग सामाजिक गतिशीलता की प्रचंड शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं वर्ग संगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं और जातियां वर्ग में परिणित हो जाती हैं मानव जाति का अब तक का इतिहास जातियों और वर्गों के बीच आंतरिक संघर्ष का इतिहास है कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो राम मनोहर लोहिया हैं वो जाति और वर्ग दोनों के सवालों को एक साथ लाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो परिभाषाएं हैं उसमें कई सारी परिभाषाएं विवादित भी हो सकती हैं पर मोटे तौर पर हमें यहाँ यह या याद रखने की जरूरत है कि उन्होंने जो वर्ग की मार्क्सवादी अवधारणा थी उसको पूरी तरीके से त्यागा नहीं और जो जाति की भारतीय का भारतीय यथार्थ था उसे भी उन्होंने अपने साथ रखा और एक तरीके से ऐसा यह लगता है कि उन्हें यह एहसास था कि जो जातियां हैं वो कई बार जड़ होती हैं और उन्हें वर्ग के रूप में बदलने की जरूरत होती है तभी वो गतिशील हो सकती हैं तो जब जातियों में गतिशीलता आती है जब उनके भीतर चेतना आती है तो वो वर्ग बन जाती हैं ऐसी धारणा वो प्रस्तुत करते हैं हालांकि अलग अलग परिस्थितियों में इसकी आलोचनात्मक परीक्षण की काफ़ी संभावना है यहाँ मैं आ, मेरा उद्देश्य उसकी एक सामान्य जानकारी आप तक पहुँचाना है धर्म एवं राजनीति के बारे में भी राम मनोहर लोहिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए लोहिया कहा करते थे कि राजनीति के बिना धर्म निष्प्राण हो जाता है तथा धर्म के बिना राजनीति कल ही बन जाती है वे धर्म को दीर्घकालीन राजनीति तथा राजनीति को अल्पकालीन धर्म कहते हैं धर्म का काम है अच्छाई करना और उसकी स्तुति करना इसी प्रकार राजनीति का काम है बुराई से लड़ना और उसकी निंदा करना किंतु जब धर्म अच्छाई नहीं करता केवल अस्तुति भर करता है तो वह निष्प्राण हो जाता है और राजनीति जब बुराई से लड़ती नहीं केवल निंदा भर करती है तो वह कल ही हो जाती है इसलिए धर्म को निष्प्राण होने से बचाने के लिए तथा राजनीति को कल ही होने से बचाने के लिए धर्म और राजनीति के तथ्य को समझना जरूरी है और इसी भावभूमि पर धर्म तथा राजनीति में तालमेल बनाए रखना चाहिए हमें यह समझना है कि जो राम मनोहर लोहिया हैं वो वामपंथियों की या कम्युनिस्टों की तरह धर्म की भूमिका का पूरी तरीके से निषेध नहीं करते हैं उन्होंने राम और अन्य धार्मिक चरित्रों के आधार पर कई प्रदर्शनों प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया और वो चाहते थे कि इनके बारे में चर्चा हो इनके व्यक्तित्व के बारे में इनके कृतित्व के बारे में चर्चा हो धर्म की एक सार्थक भूमिका है वह यह मानकर चलते हैं और उन्होंने धर्म का पूरी तरह से निषेध नहीं किया बल्कि उसके सामाजिक उपयोगिता के हिसाब से उसका उपयोग करने पर जोर दिया और यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धर्म जो है वो एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और दोनों के बीच में एक तरह का संबंध है तो इस लिहाज से वो भारत की परिस्थितियों में भारत के सामाजिक जीवन में जो धर्म की महत्ता थी जो धार्मिक मूल्यों की महत्ता थी उसको पूरी तरीके से नकारते नहीं है बल्कि वो उससे संवाद करना चाहते हैं और उसके माध्यम से वो धर्म से कुछ पहलुओं को ग्रहण करके राजनीति को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं लोहिया की राज्य की परिकल्पना भी एक उनका महत्वपूर्ण विचार है लोहिया ने चार स्तंभों वाले राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की उन्होंने इसमें राज्य में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण पर को परस्पर विरोधी माने जाने वाले विचारधाराओं के समन्वय करने का प्रयास किया इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव, मंडल प्रांत तथा केंद्र ये चार खंबे हुए और इन सभी के महत्व को स्वीकार किया गया आप ये ध्यान देंगे कि वो महात्मा गांधी के विचारों को पूरी तरीके से नकार नहीं रहे हैं पर उसमें एक अच्छा संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें एक कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत एक एक करने पर यानी कि गांव को मंडल को और फिर प्रांत और केंद्र को उन्होंने एकीकृत एक एक करने पर जोर दिया इस राज्य में स्तंभों का संगठन इस प्रकार किया जाएगा कि सभी स्तंभ एक सूत्र में बंधे रहेंगे ऐसे राज्य में कलेक्टर जैसा नौकरशाही सत्ता का प्रतीक पद समाप्त कर दिया जाएगा लोहिया मानते थे कि कलेक्टर का पद या ऐसे पद केंद्रीकरण की बदनाम संस्थाएं हैं ऐसे पदों को समाप्त किया जाना चाहिए चौखम्बा राज्य में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा पहला संपूर्ण सरकारी एवं योजना व्यय का एक चौथाई भाग ग्राम मंडल एवं नगर पंचायत के माध्यम से व्यय किया जाएगा दूसरा पुलिस व्यवस्था इन ग्राम मंडल तथा पंचायतों के अधीन रहेगी तीसरा जिलाधीश का पद समाप्त करके उसके सभी कार्य जिले की विभिन्न संस्थाओं में विभाजित कर दिए जाएंगे चौथा कृषि उद्योग तथा अन्य प्रकार के संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा यह संपत्ति ग्राम मंडल एवं नगर पंचायतों के अधीन रहेगी तथा उन्हीं के द्वारा शासित होगी चौखम्बा राज्य में राजनीतिक प्रशासनिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण के दिशा में प्रयास किए जाएंगे तथा तो छोटी मशीनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा तो एक तरीके से यह गांधी के विचारों के साथ उनके जुड़ाव को दिखाता है चौखम्बा राज्य का अगला पांचवा स्तंभ विश्व राज्य होगा जो कि विश्व शांति की स्थापना के दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा इसके अलावा उन्होंने सप्त क्रांतियों की भी बात की उन्होंने एक साथ सात क्रांतियों का आह्वान किया पहले स्तर पर उन्होंने जिस क्रांति की बात की वह नर नारी की समानता के लिए क्रांति थी दूसरा चमड़ी के रंग पर रची राजकीय आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति तीसरा संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर देने के लिए क्रांति चौथा परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति पांचवा निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति छठा निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति सातवां अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति अगर हम इन पहलुओं को ध्यान से देखें तो उसमें कई तरह के पहलू सामने आते हैं और इसमें जरूर कहा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया अपने जीवन में इन विचारों को बहुत आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं रहे पर कई तरह के विचार जो उनके हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से सामने आते हैं जब वो नर नारी के समानता की बात करते हैं तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से निजी जीवन में भी लोग स्त्रियों को बराबर माने और स्त्री पुरुष के संबंध किस तरीके से बराबरी पर आधारित हो सकते हैं फिर उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया पिछड़ों का विशेष अवसर देने की बात की तो अगर हम इन सात पहलुओं को देखें जो सप्त क्रांति का है तो वो एक व्यापक अहिंसक और समतावादी समाज बनाने का एक मॉडल लगता है और इस मॉडल के आधार पर न सिर्फ व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकता है बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी वह लोकतांत्रिक पद्धति से लोकतंत्र के मूल्यों के हिसाब से अपने जीवन को संचालित कर सकता है इसके अलावा राम मनोहर लोहिया ने विश्व संसद का समर्थन किया लोहिया ने वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व संसद का समर्थन किया था वे चाहते थे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए विश्व पंचायत की स्थापना होनी चाहिए इस पंचायत को समस्त राज्यों के युद्ध बजट का एक चौथाई अथवा पाँचवा हिस्सा मिलना चाहिए मानते थे कि सत्याग्रह के द्वारा सब, के द्वारा भी भी पंचायत की स्थापना संभव है लोहिया का एक और स्वप्न था कि वो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर एक महासंघ जैसी चीज बनाना चाहते थे जो उन्हें लगता था कि जो आ, एक भारत का विभाजन हुआ है उसके दुष्परिणामों को काफी हद तक दूर कर सकता है हालांकि ये सभी विचार जो हैं वो काफ़ी हद तक यूटोपियाई भी लगते हैं लेकिन अगर हम राजनीतिक सिद्धांत में पाश्चात्य राजनीति सिद्धांत के बहुत सारे चिंतकों को पढ़ें तो उनके विचार भी यूटोपियाई लगते हैं लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक परिकल्पना की कि विश्व पंचायत हो वह अपने आप में एक अंतरदृष्टि से परिपूर्ण परिकल्पना है लोहिया के विचारों का एक और जो महत्वपूर्ण आयाम है वह यह है कि वे निरंकुश शासन को स्वीकार नहीं करते थे वे आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण के समर्थक थे वे आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता को राज्य प्रांत जिला तथा ग्राम स्तर पर बांटकर चौखंबा राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की अब हम लोहिया के विचारों के बारे में कुछ उनकी जो सीमाएं हैं उस पर हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी आलोचना की जाती रही है वह आलोचना गैर कांग्रेसवाद की सीमा के आधार पर की जाती रही है क्योंकि गैर कांग्रेसवाद का जो उनका विचार था उसके बारे में उनके समर्थक यह मानते हैं कि और उनके आलोचक भी इस बात पर जोर देते हैं कि असल में उन्होंने दक्षिणपंथी शक्तियों को प्रश्रय दिया उन्हें वैधता प्रदान करने की कोशिश की जिस तरीके से जनसंघ से उन्होंने जुड़ाव कायम किया जनसंघ को इस तरह के गैर कांग्रेसवाद की धारा में जोड़ा उससे हुआ यह कि एक लंबे समय के लिए जनसंघ को धीरे धीरे वैधता मिलती गई जनसंघ मुख्यधारा की राजनीति में का एक अभिन्न हिस्सा बन गया तो कई सारे आलोचक यह कहते हैं कि जो लोहिया खुद को समाजवादी बोलते थे और एक समाजवादी नेता के रूप में जो दूसरे समाजवादी नेता नेहरू थे उनसे उनकी, उनकी वैचारिक निकटता थी उनको चुनौती देने के लिए वो उन शक्तियों से जाकर मिल गए जिनका उन्होंने राजनीतिक रूप से हमेशा विरोध किया था जो कि एक बहुत सूझबूझ से बड़ा राजनीतिक कदम नहीं माना जा सकता है क्योंकि आगे चलकर इसके दुष्परिणाम भी सामने आए जहाँ की समाजवादियों की तुलना में जो जनसंघ की शक्ति है वो लगातार आगे बढ़ी तो इस लिहाज से गैर कांग्रेसवाद को एक बहुत आकर्षक विचार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है और यह कहा जाता है कि यह विचार जो है उसने हास्टी पर पड़ी हुई शक्तियों को वैधता प्रदान की धर्म के बारे में उनके विचारों की भी आलोचना की जाती है आ, क्योंकि यह माना जाता है कि राम मनोहर लोहिया को जिस रूप में आ, धर्म को की आलोचना को देखना चाहिए था वो उन आलोचनाओं को देखने में समर्थ नहीं हो पाए और उन्होंने आ, धर्म के साथ जिस रूप में एक जुड़ाव कायम करने की कोशिश की असल में उसी तरह के जुड़ाव से कई बार यह खतरा पैदा होता है कि जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो वैधता ग्रहण करती है तो निश्चित रूप से धर्म का और धार्मिक मूल्यों का अगर राजनीति के साथ हम समावेशन करने की बात करते हैं तो उसके साथ यह खतरा हमेशा जुड़ा होता है कि वह कुछ खास प्रतीकों को अपनाएगा और उन खास प्रतीकों को अपनाते हुए वह बहुत सारे ऐसे समूहों का बहिष्करण भी करेगा जो उन प्रतीकों को नहीं मानते हैं मिसाल के तौर पर अगर कोई अपनी राजनीति में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक खास धर्म यानी मिसाल के तौर पर मुस्लिम या हिंदू धर्म के तत्व को लेकर आता है तो इससे बाकी सारे लोगों का जो उस धर्म के मानने वाले नहीं हैं उनका बहिष्करण हो हो जाता है तो स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में उनके विचार काफ़ी रेडिकल थे और वो आ, अपने जीवन काल में लिव इन रिलेशनशिप में भी रहें और उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों के लोकतांत्रिक होने पर काफ़ी जोर दिया समाज के रूढ़िवादियों को यह विचार उतना अच्छा नहीं लगा तो एक तरीके से हम राम मनोहर लोहिया की इसके लिए तारीफ कर सकते हैं लेकिन और राम मनोहर लोहिया ने बार बार इस चीज़ को रखा कि कैसे वो द्रौपदी जैसे चरित्र को एक आदर्श स्त्री के चरित्र के रूप में देखते हैं लेकिन जो एक प्रमुख बात इनकी सीमा के रूप में कही जा सकती है वह यह कि राम मनोहर लोहिया जिन शब्द क्रांतियों की मिसाल के तौर पे बात करते हैं उन शब्द क्रांतियों को लागू करने का सही मॉडल वो नहीं दे पाए ये एक तरीके से तरीके से ऐसी घोषणाओं के रूप में सामने आती हैं जिनको बहुत सारी संभावनाएं हैं बहुत सारी अच्छी बातें उनमें कही गई हैं लेकिन उन्हें कैसे लागू किया जाए यह बात लोहिया बहुत साफ तौर पर नहीं रख पाते हैं हम हमें कह सकते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक इस दुनिया में नहीं रहे शायद आगे उन्हें काम करने का मौका मिलता तो वो इन्हें और ज्यादा स्पष्टता से लागू करने की एक पूरी रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं वो ये बताते हैं हालांकि उन्होंने चौखा चौखंबा राज्य में एक मॉडल देने की कोशिश की आ, लेकिन आ, कभी भी व्यवहारिक रूप से उसे लागू करने का मौका उन्हें नहीं मिला कुल मिलाकर अगर हम राम मनोहर लोहिया की को देखें तो वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे एक चिंतक थे लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने भारत के लोकतंत्र को ज़्यादा जीवंत बनाने में एक योगदान दिया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में उन्होंने जिस तरह की राजनीति शुरू की उससे समाज में हाँसी पर पड़े हुए तबकों का राजनीतिकरण हुआ जिसे राजनीति कोठारी जातियों के राजनीतिकरण के रूप में इंगित करते हैं और वो राज, वो जातिया धीरे धीरे गुलबंद हुई और उनका प्रभाव आगे की राजनीति में दिखा इसलिए आप वर्तमान समय में देश की राजनीति में खासतौर पे उत्तर भारत में कर्नाटक जैसे राज्यों में भी अगर आप पिछड़े जातियों के नेताओं को राजनीति में सक्रिय देखते हैं तो आप यह पाएंगे कि ये नेता वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं खुद को राम मनोहर लोहिया से भी जुड़ा हुआ मानते हैं तो इस लिहाज से लोहिया ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की एक सफल रूपरेखा प्रस्तुत की और उसका प्रभाव हम भारत की राजनीति के ज्यादा लोकतंत्रीकरण के रूप में देखते हैं मैंने इस पूरी चर्चा में यह कोशिश की कि मैं आपको लोहिया के जीवन और उनके कुछ विचारों से परिचित करा सकूं और निश्चित रूप से इन विचारों में और ज्यादा गहराई से चर्चा करने की जरूरत है इनकी संभावनाओं और आलोचनाओं पर और गहरे स्तर पर परीक्षण करने की जरूरत है पर चूंकि ये एक घंटे की हमारी चर्चा है तो इसमें मैंने परिचय के रूप में आपके सामने उनके विचारों और विचारों को सूत्र रूप में रखा उसकी सीमाओं को बताया और मुझे ये उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के बारे में उनके जीवन के बारे में उनके कृतित्व के बारे में और पढ़ेंगे और अपनी आलोचनात्मक समझ का विकास करेंगे तो आज की इस पूरी चर्चा को हम यही विराम देते हैं अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में बातचीत करेंगे नमस्कार